आज जो मैं आपको गाड़ी दिखाने वाला हूँ अशोक लेलैंड 1920 HU, ये गाड़ी कंपनी कैबिन में आती है। तो कस्टमर ने क्या किया, इसमें जो काउल फेशिया लगवा दिया, ओरिजिनल जो है कंपनी कैबिन उतरवा के काउल फेशिया लगवाया है। गिल ट्रक बॉडी बिल्डर्स की वर्कशॉप में बिल्कुल ओरिजिनल जैसे कंपनी कैबिन में फिटिंग की गई थी, वैसे ही जो है काउल फेशिया में फिटिंग की जा रही है। इसका जो सा काम है बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया गया। ये काम लीगल है या अनलीगल वो आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को कर लो फॉलो, ताँ जो हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो जल्द से वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल ट्रक लवर बाय अजय में। आज जो इस गाड़ी की वीडियो वो जसपाल सर खुद ब खुद इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अशोक लेलैंड की 1920 अवतार मॉडल में यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि ये कौन सा नया कलर यहाँ पर लेलैंड निकाल दिया। ये यहाँ पर गाड़ी तो ब्राउन कलर में ही आई थी, बट हमने यहाँ पर इसको चेस को ही मॉडिफाई किया है। वैसे अगर मैं आपको सच बात बिल्कुल रियलिटी वाली बात बताएं तो ये गाड़ी यहाँ पर यू कैबिन में थी, इसका पूरा कैबिन लगा हुआ था। तो कस्टमर को यहाँ पर अवतार सीरीज वाला ही डैशबोर्ड चाहिए था। वो नई गाड़ी यहाँ पर डैशबोर्ड वाली ले सकते थे, प्रोविजन आती है, बट वहाँ पे ना पुराना डैशबोर्ड जो BS4 वाला जहाँ पे तीन जालियाँ बनी हुई हैं, बीच वाली जाली बड़ी होती है, वो वाला मिल रहा था। उनको वो पसंद नहीं था, तो कहते हमको BS6 वाला चाहिए। तो ये उसकी फिटिंग है वो नोडो ब्रैकेट पे होती है, जो नोडो ब्रैकेट लगा होता है, तो वो नोडो ब्रैकेट की फिटिंग उसी के साथ करते हैं जिसमें वो नोडो ब्रैकेट चेसिस के साथ में आता है। तो यू कैबिन एकमात्र कैबिन है जिसमें हम ये काउल कैबिन फिट कर सकते हैं। तो हमने उसको कलर भी यहाँ पर पहले से ही चेंज कर दिया है। यहाँ पर लेलैंड का लोगो मिल जाएगा, अशोक लेलैंड की बैजिंग है, अवतार सीरीज आपको मिल जाएगी, हेडलैम्प्स यहाँ पर डबल हेडलैम्प्स यहाँ पर गाड़ी में आती है। 19 का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 18,500 kg GBW। पासिंग यहाँ पर आपको 11 टन की मिल जाती है गाड़ी में। 20 का मतलब है कि 200 horsepower का यहाँ पर 6 cylinder H series का लाल इंजन यहाँ पर आपको मिल जाता है, 700 Nm की टॉर्क वाला बहुत ही क्लासिक इंजन यहाँ पर दिया हुआ है। फुटस्टेप्स आपको यहाँ पर चेक कर सकते हो, 3 फुटस्टेप्स आते हैं, और जो साइड बम्प्स यहाँ पर गाड़ी में निकाले हुए हैं, और एक्सल यहाँ पर 4x2 एक्सल यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आती है। यहाँ पर आगे वाला एक्सल 7 टन की कैपेसिटी का यहाँ पर रह जाता है, और यहीं पर ये वाला आपको यहाँ पर जो एक्सल है लास्ट वाला वो 11.5 टन की कैपेसिटी का यहाँ पर मिल जाता है। ओवरऑल यहाँ पर जो वेट हो जाता है वो 18,500 kg का यहाँ पर मिल जाता है। इसमें जो चेसिस में आप यहाँ पर ध्यान देखेंगे, 7 mm थिकनेस की चेसिस है, 18 फिट से लेकर हर 2 फिट तक आप चेसिस यहाँ पर ले सकते हैं मॉड्यूलर फॉर्म में। यहाँ पर ये गाड़ी 32 फिट तक भी आती है। सेमी इलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स यहाँ पर पीछे मिल जाएंगी, प्लस साथ में हेल्पर स्प्रिंग्स आपको यहाँ पर मिलती हैं। आगे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल पैराबोलिक कमानियाँ भी ऑप्शन में आती हैं, और अगर आप सेमी इलिप्टिकल लेना चाहते हो, जैसे इस गाड़ी में यहाँ पर सेमी इलिप्टिकल कमानियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं शॉक अब्जॉर्बर के साथ में, वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। 2 batteries यहाँ पर आ जाती है, कट ऑफ स्विच यहाँ पर साथ में आता है, 270 लीटर की कैपेसिटी का आपको यहाँ पर डीजल टैंक भी मिल जाता है। पेयर व्हील की जो ऑप्शन है वो यहाँ पर चेसिस के बिल्कुल सेंटर में की हुई है। इस गाड़ी की हमने जो चेसिस है वो थोड़ी सी एक्सटेंड की हुई है, आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर पेंट थोड़ा सा चमकदार है, यहाँ पर डल हो गया, बट कुछ समय बाद ये भी सेम हो जाएगा, बट आपको बिल्कुल चेसिस का आइडिया नहीं हो पाएगा। LED टेल लैंप्स के साथ यहाँ पर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। टायर साइज जो रहता है गाड़ी में 295/90R20 के यहाँ पर रेडियल ट्यूब टायर्स अपने को देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इस गाड़ी मालिक ने 18 फिट चेसिस ले ली, 20 फिट क्यों नहीं ली, उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि व्हील बेस बड़ा हो जा रहा था, क्योंकि पहाड़ी रास्तों पर चलनी है, काफ़ी लोग ये कमेंट करने वाले हैं, उसका मैं पहले ही आंसर दे रहा हूँ, ताकि ये व्हील बेस है वो कम ही रहे, पीछे चेसिस है वो यहाँ पर ज़्यादा बड़ी हो जाए। 60 लीटर की कैपेसिटी का यहाँ पर आपको AdBlue टैंक मिल जाता है, जो ATS है आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम है। टोटल ये गाड़ी यहाँ पर IGEA टेक्नोलॉजी पर ये गाड़ी काम करती है, और जो ड्राइवर सीट है यहाँ पर पीछे आप कह सकते हो, यहाँ से ऊपर नीचे और आगे पीछे 6 तरह की यहाँ पर एडजस्टमेंट इसमें यहाँ पर मिल जाती है। गियर में अगर मैं बात करूँ तो 7-speed वाला गियर बॉक्स यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाता है। डैशबोर्ड बहुत ही ज़्यादा क्लीन, काफ़ी ज़्यादा हाइट नहीं है, नॉर्मल हाइट पर 5 फीट पर यहाँ पर बनाया हुआ है, और इस गाड़ी में यहाँ पर H3 इंजन दिया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा लेलैंड के यहाँ टेलीमेटिक्स भी आते हैं इसमें। यहाँ पर आपको अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखें तो 3 inch by 2 inch की यहाँ पर डिजिटल डिस्प्ले सामने यहाँ पर मिल जाती है, किलोमीटर पर आर, और यहाँ पर देखो RPM मीटर, टेम्परेचर मीटर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर
मिल जाती हैं। इस गाड़ी में आप जियो फेंसिंग कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, ड्राइवर का बिहेवियर वो सब चीज़ें नोट कर सकते हो। अगर प्राइस की बात करूँ इस गाड़ी के प्राइस की, तो ये गाड़ी आपको यहाँ पर 23 लाख से लेकर 23.5 लाख की यहाँ पर ये चेस का यहाँ पर दाम आ रहा है। अगर आप कोई भी गाड़ी ऐसी खरीदनी है तो आप नीचे दिए गए हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो 904-11-44-223। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।